नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज, पहले दौर का मतदान, 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें हम आपको तमाम जगहों की दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, 2 घंटे तो वोटिंग के निकल चुके हैं, 7 बजे ही मतदान की शुरुआत हुई थी, 9 बज चुका है और प्रधानमंत्री ने भी लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन लोगों में अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों पर जोश दिख रहा है, कुछ जगहों का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चुनावी महाभारत भी जारी है। अब से कुछ ही देर पहले महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुंगेर की घटना को लेकर उनकी पार्टी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि SP को वहां से ये राहुल गांधी ने न्याय रोजगार के लिए वोट करें, ये बात लिखी है। PM ने कहा कि आप वोट करने जरूर निकलें, लेकिन सावधानी बरतें, मास्क पहने, दूरी रखें। इधर मुंगेर की घटना की जांच हो, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। मुंगेर के SP को हटाया जाए, तेजस्वी यादव ने कहा। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले आपको सुना देते हैं मुंगेर की घटना पर। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो BJP के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री BJP के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी?